उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुआ है, गुणात्मक सुधार हुआ है। अगर माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराया गया है। नकल विहीन परीक्षाएं सीसीटीवी के जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग की वजह से संपन्न हो पाई हैं और ऑनलाइन मॉनिटरिंग की ये व्यवस्था अब क्लासरूम में भी शुरू की गई है। यानी यूपी बोर्ड जो की परीक्षाओं में जिस तरीके से ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती थी, कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी की जाती थी, उसी तरीके की व्यवस्था अब क्लासरूम में भी की जा रही है। उसकी शुरुआत की गई है संगम नगरी प्रयागराज में। प्रयागराज मंडल में जो चार ज़िले हैं, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रयागराज और प्रतापगढ़, उनकी मॉनिटरिंग इसी तरीके से ऑनलाइन की जा रही है और इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है प्रयागराज में संयुक्त शिक्षा निदेशक के दफ्तर में। इसके औपचारिक तौर पर शुरुआत आज माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने की है। इस वक्त हम उसी कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो शुरुआत की गई है उसमें जो जीजीजीआईसी और जीजीआईसी हैं, यानी जो राजकीय कॉलेज हैं, उनकी इसी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि क्लासरूम में टीचर मौजूद हैं या नहीं, पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, बच्चे किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, टाइम पर लोग आए हुए हैं कि नहीं। अलग अलग लोग बिठाए गए हुए हैं, अलग अलग ज़िलों के लिए अलग अलग कंप्यूटर निर्धारित किए गए हैं। और जिस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, अभी भले ही वो प्रयागराज मंडल में हो, लेकिन धीरे धीरे कर इसे पूरे प्रदेश में लागू कराया जाएगा। प्रयागराज मंडल की अगर हम बात करें तो 150 विद्यालय हैं जिनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और पूरे प्रदेश में तकरीबन 2300 विद्यालय हैं जिनकी आने वाले दिनों में मॉनिटरिंग की जाएगी। उसके बाद ये व्यवस्था एडेड कॉलेजेस में या जो दूसरे कॉलेजेस हैं उसमें भी लागू किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक दिव्यकांत शुक्ल जी हैं जिन्होंने इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कराई है। सर, ये जानना चाहेंगे कि इसका मकसद क्या है और आने वाले दिनों में किस तरीके के नतीजे देखने को मिल सकते हैं। ये पूरे प्रयागराज मंडल में चार जिले हैं, चारों जिलों में जो राजकीय विद्यालय हैं, कुल 150 राजकीय विद्यालय हैं, उन राजकीय विद्यालयों को सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें अधिकारी जाते थे, सारे अधिकारी पहुंच नहीं पाते थे और सारे विद्यालयों में नहीं पहुंच पाते। उद्देश्य इतना है कि जितने जो क्लासरूम हैं, जिस क्लासरूम में टीचर्स जाते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें एक तो क्लासरूम खाली न जाए, बच्चों का कोई ऐसा पीरियड न जाए जो बाहर रहें और क्लासरूम से बाहर हों, पढ़ाई न हो सके उनकी। दूसरा ये कि उसमें क्लासरूम में रहें, पढ़ाई हो उनकी बच्चों की, और उनको किस ढंग से उनको क्या ज़रूरत है, उनके सब्जेक्ट वाइज जो है क्या टीचिंग की, क्या मेथड, टीचिंग मेथड में क्या परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, कैसे और बेहतर हम कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम हमने यहाँ पे खोला एकीकृत कंट्रोल रूम के माध्यम से। तो इसमें हमारा उद्देश्य सबसे बड़ा यही है कि शैक्षिक गुणवत्ता को हम वहाँ पर राजकीय विद्यालयों में सबसे पहले प्रथम चरण में सुनिश्चित कर सकें। और एक जो हमारे पास वो चल रहा है कि नहीं, हम अभी तक यूपी बोर्ड के जो आते हैं उसमें उत्तर प्रदेश की टॉप 10 की जो मेरिट हो रही है, राजकीय विद्यालयों के बच्चे उसमें अभी नहीं आ पा रहे हैं, पिछले 4-5 साल से हमने जो देखा है। तो मेरा उद्देश्य यह है कि कम से कम राजकीय विद्यालयों के बच्चे भी उसमें टॉप 10 की मेरिट में आ सकें, और हमारे अच्छे योग्य टीचर हैं, वो पढ़ाएंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, तो नेचुरल है कि वो बच्चे हमारे मेरिट में आएंगे, और मेरिट में आएंगे तो राजकीय विद्यालयों का भी महत्व और भी बढ़ेगा और लोग उसकी तरफ, बच्चे हमारी तरफ आकर्षित होंगे विद्यालयों की तरफ। मतलब यूपी बोर्ड में जो विद्यार्थियों की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या घटती जा रही थी, लोग क्वालिटी के एजुकेशन पर सवाल उठाते थे, तो लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की मॉनिटरिंग से क्वालिटी भी सुधरेगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी। बिल्कुल, इससे जब हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी तो बट नेचुरल है क्वांटिटी बढ़ जाएगी। देखिए, जहाँ पर भी पढ़ाई हो रही है, जिन कॉलेजेस में पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, वहाँ पर बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिल पा रही उन कॉलेजेस में। जहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पा रही वहाँ पर बच्चे कम आ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं लोग कि वहाँ पर पढ़ाई नहीं। तो अगर हमारे राजकीय विद्यालय सभी बहुत अच्छी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, जैसा हो भी रहा है, बट इसमें थोड़ा और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और अगर अपेक्षित सुधार होगा और थोड़ा गुणवत्ता और बढ़ाई जाएगी, क्लासेस की रेगुलर मॉनिटरिंग होगी, तो बेहतर रिजल्ट आएंगे और आज की स्कूल हमारे जो है फिर जो पुराना हमारा एक वो था उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत अच्छा करेंगे। अभी भी अच्छा करें बट आगे और अच्छा करेंगे।
निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो जीआईसी और जीजीआईसी हैं, पिछले कुछ सालों में यूपी बोर्ड में उनके बच्चे टॉप नहीं करते थे, और यही वजह है कि यहाँ पर जब मॉनिटरिंग की जाएगी, किस तरीके से यहाँ पर मॉनिटरिंग के इंतज़ाम किए गए हैं वो आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, अलग अलग ज़िलों के लिए अलग अलग कंप्यूटर निर्धारित किए गए हैं, और जो लोग कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनके पास इस तरीके की लिस्ट है, और इस लिस्ट में सभी जो विद्यालय हैं उनके प्रधानाचार्य के नाम और मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, और अगर कहीं पर कोई कमी दिखती है, लापरवाही दिखती है, कुछ गड़बड़ी दिखती है, तो ये जो लोग हैं यहाँ पर जिम्मेदार लोग हैं वो इन नंबरों पर फोन करेंगे, वहाँ से जानकारी लेंगे। हमारे साथ कुछ कर्मचारी भी हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज आपका पहला दिन है? जी असिस्टेंट। किस तरीके से आप लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं? जैसे हमें जो विद्यालय पर दिन भर मॉनिटरिंग करना होता है, पूरे विद्यालयों पर हमारी नज़र होती है, और कहीं किसी क्लासरूम खाली दिखाई दे रही है, बच्चे लड़ रहे हैं या बच्चे डिस्टर्ब हैं, तो हम अपने ऑफिस को कंट्रोल रूम में सूचना देते हैं और मोबाइल से उसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फ़ोटो खींच के उनको भेज देते हैं। फिर हमारे अधिकारी क्या करते हैं कि विद्यालय के प्रधानाचार्य से या किसी भी स्टाफ से संपर्क करके उस पर निगरानी रखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये किसी एक विद्यालय के क्लासरूम आपने खोल रखे हैं या अलग अलग विद्यालय? ये एक ही विद्यालय के जितने उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, पूरा एक्सेस उसमें एक मॉनिटर पर होता है। अगर हम दूसरे विद्यालय को खोलना चाहेंगे तो उस पूरे उसका एक्सेस मॉनिटर फिर लाते हैं, तो वहाँ जितने कैमरे लगे होते हैं वो हमारे स्क्रीन पर आ जाते हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में ये एक बड़ी शुरुआत है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इसके बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। माध्यमिक शिक्षा का जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसमें और सुधार होगा, बड़ी संख्या में बच्चे बढ़ेंगे, यूपी बोर्ड से जुड़ेंगे और निश्चित तौर पर सफलता भी हासिल करेंगे। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल एबीपी लाइव प्रीमियम।